नमस्कार, YouTube चैनल एन यूनिवर्स डबल टू में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे MIG और TIG वेल्डिंग के बीच में क्या क्या डिफरेंस हैं। MIG और TIG वेल्डिंग दोनों आर्क वेल्डिंग प्रोसेस हैं। MIG वेल्डिंग TIG वेल्डिंग के कंपैरिजन में ज़्यादा कॉमन और ईजी प्रोसेस है। MIG वेल्डिंग का मतलब है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग और TIG वेल्डिंग का मतलब है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। MIG और TIG दोनों में फ्लक्स का प्रयोग नहीं करते और MIG वेल्डिंग में मेटल रोड को एज ए इलेक्ट्रोड प्रयोग किया जाता है, जबकि TIG वेल्डिंग में टंगस्टन इलेक्ट्रोड को एज ए इलेक्ट्रोड प्रयोग करते हैं। MIG वेल्डिंग में कंज्यूमेबल मेटलिक इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं जो बेयर टाइप की होती है और इसका मटीरियल स्टील, कास्ट आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रास या ब्रॉन्ज हो सकता है, जबकि TIG वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं वह नॉन कंज्यूमेबल मटेरियल टंगस्टन की बनी होती है। वैसे तो नॉन कंज्यूमेबल मटेरियल जैसे कार्बन ग्रेफाइट का भी यूज़ करते हैं। अगर कार्बन टाइप की इलेक्ट्रोड का यूज़ करें तो वह कार्बन आर्क वेल्डिंग होती है, लेकिन TIG वेल्डिंग में टंगस्टन से बने इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं और इस इलेक्ट्रोड की मेल्टिंग को अवॉइड करने के लिए इस पर थोरियम और जिरकोनियम को भी टंगस्टन पर ऐड कर देते हैं और दोनों प्रोसेसेस में शील्डिंग का प्रयोग किया जाता है और इसीलिए इसे गैस शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग और इसे गैस शील्डेड टंगस्टन आर्क वेल्डिंग भी कहते हैं। शील्डिंग गैस के तौर पर MIG वेल्डिंग में प्योर आर्गन, आर्गन CO2 का मिक्सचर, इसके अलावा हीलियम और CO2 का भी इस्तेमाल करते हैं। इसमें प्योर आयरन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो मिक्सचर है वह थोड़ा चीप होता है, जबकि TIG वेल्डिंग में प्योर आर्गन वेल्डिंग गैस का प्रयोग करते हैं और इसके अतिरिक्त कॉपर की वेल्डिंग के लिए इसमें नाइट्रोजन का भी प्रयोग किया जाता है। MIG वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड वायर की कॉन्टीन्यूस फीडिंग की जाती है और यह फास्ट फीडिंग होती है, जबकि MIG वेल्डिंग में लॉन्ग वेल्डिंग रोड का प्रयोग करते हैं स्लो फीडिंग के साथ। MIG वेल्डिंग में जो वेल्डेड एरिया है वह शील्डिंग गैस के साथ फ्लडेड होता है, लेकिन गैस मेटल के साथ कंबाइन नहीं होती। और TIG वेल्डिंग में गैस का प्रयोग वेल्डिंग एरिया को एटमॉस्फेयर से प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है, ताकि जो मोल्टन मेटल है उसमें एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन ना मिल सकें। जो MIG वेल्डिंग है इसमें DC रिवर्स पोलैरिटी का प्रयोग करते हैं। DC रिवर्स पोलैरिटी का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि रिवर्स पोलैरिटी में जो आर्क है वह स्टेबल रहती है कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड और वर्क पीस के बीच में, आर्क स्टेबल रहती है। रिवर्स पोलैरिटी में जो वर्क पीस है वह नेगेटिव होता है, मतलब कि कैथोड, और इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होता है, एनोड। जबकि TIG वेल्डिंग में AC और DC दोनों पावर सोर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है और एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के लिए AC का प्रयोग करते हैं या फिर स्ट्रेट पोलैरिटी का प्रयोग किया जाता है। DC रिवर्स पोलैरिटी को कम ही प्रयोग किया जाता है TIG वेल्डिंग में। और अगर स्ट्रेट पोलैरिटी की बात करें, स्ट्रेट पोलैरिटी में हाई बर्न ऑफ रेट जरूर मिलता है, लेकिन उसमें अनस्टेबल आर्क होती है, जबकि AC वेल्डिंग में हमें पोलैरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती क्योंकि हर हाफ साइकिल के बाद जो टर्मिनल हैं, जो कैथोड या एनोड हैं, वो चेंज होते रहते हैं। MIG वेल्डिंग 40 mm थिक मेटल सीट को MIG वेल्डिंग से बड़ी आसानी से वेल्ड किया जा सकता है। जो मेटल थिकनेस है वो 40 mm तक होती है, जबकि TIG वेल्डिंग में जो मेटल सीट की जो थिकनेस है वो 6 mm तक ही सीमित होती है। MIG वेल्डिंग TIG वेल्डिंग के कंपैरिजन में फास्टर वेल्डिंग प्रोसेस है, TIG वेल्डिंग एक स्लो वेल्डिंग प्रोसेस है। लेकिन जो TIG वेल्डिंग है वह वर्साटाइल वेल्डिंग प्रोसेस है MIG वेल्डिंग के कंपैरिजन में, क्योंकि TIG वेल्डिंग से ज़्यादा मटेरियल्स को वेल्ड किया जा सकता है और MIG वेल्डिंग कम वर्साटाइल प्रोसेस है। अगर हम बात करें किस किस मटेरियल को वेल्ड किया जा सकता है, MIG वेल्डिंग से कार्बन, सिलिकन, लो अलॉय स्टील, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर, निकल और उनके अलॉय टाइटेनियम आदि को वेल्ड कर सकते हैं।
और जो टिग वेल्डिंग है यह एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, निकल, कॉपर अलॉयज, कार्बन अलॉयज, स्टेनलेस स्टील, इनकोनल, हाई टेम्परेचर और हाई हार्ड सरफेस अलॉय जैसे टाइटेनियम, जिरकोनियम आदि को इसमें वेल्ड किया जा सकता है। मतलब कि जो टिग वेल्डिंग है इसको नॉन फेरस मेटल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एप्लीकेशन की बात करें, मिग वेल्डिंग टूल स्टील और डाइज में रेफ्रिजरेटर पार्ट की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान मिग वेल्डिंग को प्रयोग करते हैं। अगर टिग वेल्डिंग की बात करें, इसको सीट मेटल थिन सेक्शन तक ये सीमित है, जैसे किचन सिंक्स में वेल्डिंग के दौरान, जैसे प्रिसीजन वेल्डिंग होती है एटॉमिक एनर्जी, एयरक्राफ्ट, केमिकल, इंस्ट्रूमेंट इंडस्ट्रीज में टिग वेल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अतिरिक्त रॉकेट मोटर चैम्बर फैब्रिकेशन लॉन्च व्हीकल्स में, वहाँ पर भी टिग वेल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों आज हमने बात की मिग वेल्डिंग और टिग वेल्डिंग में क्या क्या डिफरेंस है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं।